प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्बोधन दौरान नजर पकेबा कौन प्रसंग रही कौन अभिभाषण रखुं इसलिए मेरा एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से आग्रह है कि इस अवसर का पूरा लाभ उठाए। मैं तो आज भी आपके वेबिनार से कोई सुझाव निकलते हैं तो एक छोटा टास्क फोर्स बनाया जाए जो जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल हो और हम इस मिलेट्स मिशन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं दुनिया में, इस पर हम सोच सकते हैं। ऐसी कौन सी वैरायटीज बन सकती हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों के टेस्ट के अनुकूल भी हो और हेल्थ के लिए बहुत ताकतवर हो। साथियों, इस वर्ष के बजट में पीएलआई स्कीम से जुड़ी इन योजनाओं के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रोडक्शन का औसतन 5% इंसेंटिव के रूप में दिया गया है, यानी सिर्फ पीएलआई स्कीम के द्वारा ही आने वाले 5 सालों में लगभग $520 बिलियन का $520 बिलियन का प्रोडक्शन भारत में होने का अनुमान है। अनुमान ये भी है कि जिन सेक्टर्स के लिए पीएलआई योजना बनाई गई है उन सेक्टर में अभी जितनी वर्कफोर्स काम कर रही है वो करीब करीब 2 गुनी हो जाएगी। रोजगार निर्माण में बहुत बड़ा असर पीएलआई योजना का होने वाला है। इंडस्ट्री को तो प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में तो लाभ होगा ही, देश में आय बढ़ाने से जो डिमांड बढ़ेगी उसका लाभ होगा, यानी 2 गुना फायदा। साथियों, पीएलआई से जुड़ी जो घोषणाएं की गई है उन पर तेजी से अमल हो रहा है। आईटी हार्डवेयर और टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी 2 पीएलआई योजनाओं को कैबिनेट से स्वीकृति भी मिल चुकी है। मुझे विश्वास है कि इन सेक्टर से जुड़े साथियों ने इनकी असेसमेंट अब तक कर ली है। आईटी हार्डवेयर के मामले में आने वाले 4 वर्षों में करीब 3.25 ट्रिलियन रुपए के प्रोडक्शन का अनुमान है। इस योजना से आईटी हार्डवेयर में 5 सालों के दौरान डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन अभी के 5-10% से बढ़कर 20-25% तक हो जाना है। इसी तरह टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी आने वाले 5 साल में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। इसमें भी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करने की स्थिति हमें हम लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। फार्मा सेक्टर में भी आने वाले 5-6 सालों में एक प्रकार से लाखों करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट पीएलआई के तहत होने की संभावना हम नकार नहीं सकते हैं। बड़ा लक्ष्य लेकर के चल सकते हैं। इससे फार्मा सेल में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए और एक्सपोर्ट में करीब 2 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि का अनुमान है। साथियों, भारत में आज जो विमान वैक्सीन की लाखों डोज लेकर दुनिया भर में जा रहे हैं वो खाली नहीं आ रहे हैं, वो अपने साथ भारत के प्रति बढ़ा हुआ भरोसा, भारत के प्रति आत्मीयता और उन देशों का लोगों का स्नेह और बुजुर्ग जो बीमार हैं उनके आशीर्वाद, एक भावात्मक लगाव लेकर के ये हमारे जहाज भर भर के आ रहे हैं। और ये संकट काल में जो भरोसा बनता है वो केवल प्रभावी पैदा नहीं करता, ये भरोसा चिरंजीव होता है, अमर होता है, प्रेरक होता है। भारत आज जिस तरह
मानवता की सेवा कर रहा है और नम्रता के साथ कर रहा है। हम कोई अहंकार के साथ नहीं कर रहे, हम कर्तव्य भाव से कर रहे हैं। सेवा परमो धर्म, ये हमारे संस्कार है। इससे पूरी दुनिया में भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है। भारत की साख, भारत की पहचान निरंतर नई ऊंचाई पर पहुंच रही है और ये भरोसा केवल वैक्सीन तक ही नहीं है, सिर्फ फार्मा सेक्टर की चीजों तक नहीं है। जब एक देश का ब्रांड बन जाता है